शूज़ है ना, ये स्टील लगा हुआ है मेरे पैर में, ये पैर है। तो मैं आर्मी वाले के बहुत क्लोज हूँ, और मेरा भी एक सपना होता है ना कि मैं बचपन से तो दिव्यांग था, लेकिन मैं आर्मी वाले को देखता हूँ, मेरा बढ़ती अट्रैक्टिव की वजह से मैं आर्मी वाले के जैसा मुझे बनने के। मैं एक शायर बोलता है ना कि उठ बांध कमर की डरता है, फिर देख खुदा के करता है, और जब हिम्मत की जिलानी है पत्थर भी फिर पानी है। हमारा जब हौसला है तो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं 7 महीने का उम्र में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, नस किसी वजह से चप गया था। 2007 में मैं हाथ के ज़रिए धीरे धीरे मैं चल रहा था। मुझे बिहार खेल सम्मान 2017 में मिला था, माननीय सुशील कुमार मोदी सर दिए थे, और उसके बाद में ये जीतन राम मांझी सर दिए थे हमको ब्रॉन्ज मेडल, और उसके बाद में अभिमन्यु मेडल मुझे मिला है। वो देश के प्रति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेम है अंदर, है ना जी। मैं देश के लिए प्रेम है, और मैं देश के लिए मैं खेलना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इंटरनेशनल में मेरा गोल्ड मेडल हो। मैं मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस अख्तर है, और मैं बचपन से स्ट्रगल कर रहा हूँ। जब मैं बच्चा था तो 7 महीने का उम्र में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, नस किसी वजह से चप गया था। तो मेरा पैर यहाँ से पूरा एक अलंग ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं मेहनत किया, और सेंट स्टेफेन में मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं 2007 में मैं हाथ के ज़रिए धीरे धीरे मैं चल रहा था। 2007 में आपने चलना शुरू किया जी, मैं। तो क्या उम्र होगी 2007 में लगभग आपकी? 2007 में मेरा उम्र होगा करीब 10-11 साल होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैंने स्ट्रगल किया और मैंने बीए तक मैं पढ़ाई किया हूँ। मैम मुझे ये बताइए कि आपने कब से खेलना शुरू किया, क्योंकि जैसा आपने कहा 2007 में आपने चलना शुरू किया, तो कब लगा कि मतलब स्पोर्ट पर्सन बन सकते हैं, एक प्लेयर बन सकते हैं? मैम जब 2007 में चलना शुरू किया, उसके बाद में मैं 10th पास किए, और उसके बाद में इंटर पास करने के बाद में जब मैं पटना आया, तो पटना आने के बाद मुझे मालूम चला कि डॉक्टर शिवाजी कुमार हैं और संदीप सर हैं, तो वो लोग डिसेबिलिटी बच्चे को वहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो बच्चे जो खुद से चल नहीं पाते। और मैं वहाँ पर गया तो मैं बच्चे लोग बताए थे कि ये खेल होता है, सर का नंबर दिए, तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं नहीं खेल पाता हूँ। लेकिन जब वहाँ पर गए तो वो बच्चे के जो व्हीलचेयर से भी चलना नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं, वो भी बिहार के लिए, और बिहार ही में नहीं इंटरनेशनल और नेशनल में वो खेलते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे शरद कुमार हुए एथलीट हैं। इतना जान के लोगों को समझ तो आ गया होगा कि आप एक खिलाड़ी हैं, आप एक स्पोर्ट पर्सन हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप कौन सा गेम खेलते हैं? मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ मैम, सिटिंग में वेट लिफ्टिंग करता हूँ, और 105-107 केजी मैं उठाता हूँ, तो 105-107 तो वो मुश्किल नहीं है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और जो भी मैं जिम में जाता हूँ ना, तो वो मुझे पहले मेनू कार्ड देते हैं कि इतना पैसा लगेगा। जब मैं 4-5 दिन करता हूँ और वो मेरे बारे में जानते हैं कि स्ट्रगल कर रहा है बच्चा, तो वो फ्री में मेरा कर देते हैं। मतलब जिम वाले भी सपोर्ट? हाँ, जिम मेंस एंड वुमेंस है चनमारी रोड में, कंकड़बाग में, वहाँ भी मैं किया हूँ, और भी डेविस द जिम, बहुत जिम में किया हूँ, तो वो लोग फ्री मेरा करते हैं मैम। वो बोलते हैं कि दिव्यांग जो भी आएगा आपसे तो मैं उसको फ्री में कराऊंगा। अब तक क्या क्या मुकाम हासिल किया है, कौन कौन से अवार्ड आपको मिल गए हैं, जरा ये बता दीजिए। मुझे बिहार खेल सम्मान 2017 में मिला था, माननीय सुशील कुमार मोदी सर दिए थे, और उसके बाद में ये जीतन राम मांझी सर दिए थे हमको ब्रॉन्ज मेडल, और उसके बाद में अभिमन्यु मेडल मुझे मिला है, जो बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन मुश्किल नहीं, मैं वो कार्य किया, मैं कोशिश किया, और मैंने पहली बार में मैं स्टेडियम में जब खेला था पाटलिपुत्रा में, तो 2 सिल्वर मेडल 1 ब्रॉन्ज मेडल मैं बिहार के लिए जीता था। बिहार को छोड़कर आपने कहाँ कहाँ जाके खेला और अदर स्टेट्स में? बिहार के बाद में मैं जब स्टेट खेलने के बाद में मैं गुजरात में नेशनल खेला था, म्यास नेशनल गेम था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, और मैं ए फिफ्टी में खेलता हूँ, मैं कैटगरी मेरा ए58 है, तो उसमें खेलता हूँ, और उसमें मुश्किल होता है मैम कि वो आर्मी में जो ये एक्सीडेंट होने के कारण किसी को प्रॉब्लम होता है, तो उनके कैटगरी में मुझे खेलना होता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। आर्मी वाले के साथ खेलने से मुझे खुशी ये मिलता है कि मैं उनके साथ खेलूं, और प्रेरणा मिलता है कि मैं आर्मी लोगों के साथ खेलता हूं, अब मुझे मेडल जीतना पड़ता है। आर्मी के बारे में आपने बात की, और थोड़ा सा आपके लिबास को देखा जाए तो आपने नीचे जो पहना हुआ है वो भी एक डिफेंस का जो कपड़ा है वो है, और नीचे शूज़ जो मुझे दिख रहा है वो भी ऐसा लग रहा है कि शूज़ है ना, ये स्टील लगा हुआ है मेरे पैर में, ये पैर है। तो मैं आर्मी वाले के बहुत क्लोज हूँ, और मेरा भी एक सपना होता है ना कि मैं बचपन से तो दिव्यांग था, लेकिन मैं आर्मी वाले को देखता हूँ, मेरा बढ़ती अट्रैक्टिव की वजह से मैं आर्मी वाले के जैसा मुझे बन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं लगता हूँ कि मैं भी हिंदुस्तान के लिए अपना
कुछ कर। सही बात हूँ, है ना। शूज के बारे में आपने बड़ा एक अच्छा किस्सा बताया कि कौन आपको दे देता है, मतलब ऐसे फ्री में शूज। जी मैम, नहीं मैं क्लीपर लगाता हूँ मैं और मैं खेलता हूँ ना, तो और शूज जो होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो उतना पैसा हम लोग के पास नहीं होता। हम लोग गरीब घर से, हमारे पिताजी भी नहीं है, तो मैं आर्मी वाले से या CRPF से मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ और कोई भी मेरी मदद कर देते हैं। वो तो शुरू में हमको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं एथलीट हूँ, मैं खेलता हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स से हूँ, तो वो हमारी मदद करते हैं और नया शू तुरंत वो हमको मोटिवेट कहीं से भी कर देते हैं वो। तो मुझे इस बात से, और वो शू नहीं देते हैं बल्कि पूरा जर्सी भी देते हैं मुझे, और वो भी हाँ, और वो नया देते हैं, वो ये नहीं कि उतारा हुआ देते, पहना हुआ नहीं, वो नया देते हैं इसलिए, और बोलते हैं कि तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो। देश के प्रति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेम है अंदर, है ना। जी मैम, मैं देश के लिए प्रेम है और मैं देश के लिए मैं खेलना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इंटरनेशनल में मेरा गोल्ड मेडल हो और मैं हिंदुस्तान के लिए खेलूँ और हिंदुस्तान का एक नाम रोशन करूँ विदेश में जा कर के। मतलब ऐसा है ना कि एक खिलाड़ी को जानते हैं लोग कि इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं या फिर सपोर्ट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं मिल पाता, उनको क्या बोलना चाहिए इस बारे में। नहीं मैम, एक शायर बोलता है ना कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख को देख के करता है, जब हिम्मत की जिलानी है पत्थर भी फिर पानी है। हमारा जब हौसला है तो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है मैम, और जैसे जिम में हमारा फ्री होता है, हमारा आर्मी वाले भी मदद कर देते हैं या कोई भी मदद कर देते हैं, तो इस वजह से मैं आगे बढ़ता हूँ मैम, और उसका मदद लोग करते हैं कि जो उस लायक होता है मैम। भविष्य में अपने जैसे लोगों के लिए जो डिजेबल्ड हैं, जो कहीं ना कहीं परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे। मैम ये अरवल ज़िला का मैं प्रेसिडेंट हूँ PWD से मैं, और मैं दिव्यांग बच्चे लोग के, वो बच्चे लोग जो चल नहीं पाते हैं उनको मैं आपको CRC हो या रिहेबिलिटेशन हो, कहीं से भी व्हील चेयर हो, रेल पास हो, मैं मोटिवेट कराता हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ, मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, और जो भी मेरे पास फ़ोन करता है कि भैया हमको व्हील चेयर, तो मुझे कानपुर भी जाना पड़ता है, नारायण सेवा भी जाना पड़ता है, तो मैं जाता हूँ। 87 लड़का को बैटरी चालक गाड़ी, जो बिहार सरकार का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि दिव्यांग लोग को पहले 80% को देते थे, लेकिन मैं नीतीश कुमार का जो भी बिहार सरकार में मंत्री है, मैं सभी का शुक्रगुजार हूं कि अब बैटरी वाला गाड़ी मिल रहा है। पहले हाथ से चलाना, तो दिव्यांग लोग उतना खाना पीना नहीं खाता था तो मुश्किल होता था चलाना, अब है कि वो बस फिंगर टिपते हैं और चलते हैं और 40-50 किलोमीटर चलते हैं और अपना काम वो खुद करते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह काम करते हैं। जी, तो बिहार सरकार भी हम लोग के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। मैं